देखिए प्रतीक जी, मैं आज ना एक तस्वीर लेके आया हूं। तस्वीर दीजिए, क्या है? ना 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 ना, इस तस्वीर को दिखाना पूरे देश को अत्यंत आवश्यक है। ये बार बार जितने भी मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, स्वातंत्र वीर सावरकर पे प्रश्न उठाते हैं। आज शरद पवार जी का विषय था, मैं तो आशा करता था कि शिवसेना का भी, उद्धव ग्रुप का भी यहाँ पे नुमाइंदा होगा। मैं उनसे पूछना चाहता था, ये 10x11 की कोठरी में स्वातंत्र वीर सावरकर वहां पर 2 जन्मों की सजा काट रहे थे, उनको ये अपमानित करते हैं, ये देश की एजेंसियों का सम्मान नहीं करते हैं, ये कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, शहीदों का अपमान करना लोकतंत्र है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। जितना सूर्या जी जितना नफरत पाकिस्तान के प्रति प्रकट करते हैं, उतना ही नफरत कब आप चीन के प्रति प्रकट कीजिएगा? अरे चीन के प्रति नफरत प्रकट कर रहे हो। तुम्हें तो शो शुरू किया था भारती है, मोहब्बत की दुकान भारती जी, मोहब्बत की दुकान पे ही आऊंगा जी। एक मिनट, जल्दी में जल्दी में। हाँ जी जी, अभी इन्होंने सावरकर जी की बात करी। हाँ जी, देश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिसमें अन्य सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे, उन्होंने 9-10 साल की जेल काटी, लेकिन उसके बाद भी माफी नहीं मांगी। और सावरकर जी ने, सुन लीजिए, सावरकर जी ने ये बोला, लिखा वाइसराय को चिट्ठी लिखी, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये सावरकर जी ने बोला है। मुझे छलावा नहीं है। देखिए अभी मेरे कांग्रेस के जो मित्र है ना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है वो नजरबंदी और जेल काट रहे थे। अरे आगा का महल के अंदर कांग्रेस के नेता जेल काटते थे, और क्रांतिकारी इस सेलुलर जेल में जेल काटते थे। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इतनी बात थी तो फिर शरद पवार ने आप ही के साथ, तो उद्धव ठाकरे ने भी आपसे कहा कि मंच से, सार्वजनिक मंच से आप ये बात नहीं कहेंगे, आप नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो हम आपसे, तो फिर ये कौन सी बात है कि हम, हाँ बोले कि हम अलग अलग हैं, बोले हम अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं इसलिए हम अलग अलग, विचारधारा पे भी मामला ये है, विचारधारा पे भी है। एक चीज सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि 19 पार्टियां हैं, एक भी पार्टी जो बता दे जो राहुल गांधी को अपना नेता मानती हो। राहुल गांधी ने जी, एक तो बात हमें समझ में नहीं आई कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि सावरकर जी का नाम लेकर आप बोल रहे हैं कांग्रेस को चुप कर देना चाह रहे हैं उनके एलायंस की बात पर, चलिए चुप हो गए भाई, आप ही चुप हो गए। भला आप कहते कुछ हैं, या तो कहिए नहीं, फिर आप दूसरे को काउंटर करने के लिए देते हैं, वो रेफरेंस लेता है कांग्रेस को बोलने लगता है, तो आप उसका एग्जांपल, आप बात करें शरद पवार भाई, विचार पे आइए ना, आप शरद पर बात करें, आप ही के तो शरद पवार ने जो भी बोला, सुन लीजिए पहले, सबको बात को ध्यान होना चाहिए, शरद पवार ने जो बोला उसके बाद इतने बड़े टॉल लीडर हैं, उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण भी दी, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दी, जिस तरह आप उनके पहले बयान स्पष्टीकरण दी, क्या की सार्वजनिक मंच में नहीं बोलेंगे, इस पर सहमति नहीं भाई, जिस पर जेपीसी की बात पर, जो जेपीसी, मैंने सावरकर पे बात करी है, सावरकर पे पूछ रहा हूं मैं, रुक जाइए आप, मैं जब आप इस प्रोग्राम का शो, आप सावरकर पे पूछ रहा हूं इस पर, अरे भाई सावरकर पर क्या, जो बात बोल दी गई है वो बोल दी गई है, जो बात बोल दी गई है वो बोल दी गई है जी। बेटा कहां से आना हुआ? दिल्ली। ये तो नेता है, कभी कुछ अलट पलट सब सही है। बोलो बेटा, क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, क्या कर रही हैं आप? टेंथ कर रही है, अभी इलेवेंथ में हूँ। इलेवेंथ में है जी, कुछ बोलना है, कुछ बात कहनी है? कुछ नहीं कहना जी, हाँ बोलो बोलो। पहले तो हम बिहार से हैं सर, दिल्ली रहते हैं, आप सभी को नमस्ते मेरे तरफ से।